नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज जो है हम करने वाले हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स का उनके रेस्पेक्टिव एरियाज के अंदर। तो सबसे पहले EIGRP जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इस राउटर पे चलते हैं। यहाँ पे जो है हमने कल जो है एक IP एड्रेस यहाँ पे F0/0 पे कॉन्फ़िगर कर दिया था। अब इसको एनेबल करते हैं और चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। और यहाँ जाके सबसे पहले इंटरफेस को हम IP देंगे। तो इंटरफेस है इसमें हमारा F0/1 और इसको IP एड्रेस देंगे तो 192.168.20.1.255.255.255.0 और इसको कर देते हैं हम नो शटडाउन मोड पे। और यहाँ पर जो है एग्जिट करते हैं और EIGRP प्रोटोकॉल को एनेबल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं राउटर EIGRP 1 और जो है यहाँ पे हम लिख देंगे नो ऑटो समरी। इसके बाद हम यहाँ पे जो है नेटवर्क डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे नेटवर्क है हमारे पास 192.168.10.0 का और दूसरा जो नेटवर्क है हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क है वो 20.0 वाला। तो ये दो नेटवर्क है हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। एंड करते हैं और इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे ये वाले राउटर पे और इस वाले राउटर पे चल के हम जो है इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एंड करते हैं। यहाँ पे इस राउटर का कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम यहाँ पे जो है इसको होस्ट नेम देंगे EIGRP और इसको नाम देते हैं 1, क्योंकि यहाँ पे जो है हम EIGRP का 1 राउटर है ये। और इसको जो है हम यहाँ पे इंटरफेस F0/1 पे चलते हैं और इसको IP एड्रेस देंगे तो 192.168.20.2 रहेगा यहाँ पे 255.255.255.0 और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। इसके बाद यहाँ से एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद हम यहाँ पे जो है एक प्रोटोकॉल एनेबल करेंगे जो कि EIGRP रहेगा। यहाँ पे भी राउटर EIGRP और इसका प्रोसेस ID 1 AS नंबर 1 और उसके बाद हम यहाँ पे नो ऑटो समरी कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन करते हैं 192.168.20.0 नेटवर्क यहाँ पे है सिर्फ, तो हमने यही पे डिफाइन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसकी नेबर रिलेशनशिप बन चुकी है, राइट। अभी यहाँ पे जो है हम इसको एग्जिट करते हैं और यहाँ से भी एग्जिट करते हैं और यहाँ पे आके मैं शो IP राउट करके आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे डी आ गया है, डी लिख के आया, इसका मतलब यहाँ पे जो है 10 का नेटवर्क आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ से आपको पिंग करके दिखाऊँ 192.168.10.2 को हम पिंग करते हैं तो यहाँ पे जो है हमारा पिंग जो है वो 100% हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 80% आया क्योंकि पैकेट ट्रेसर है, एक जो पैकेट है वो ड्रॉप हो जाता है तो यहाँ पे जो है हमारा कम्युनिकेशन हो चुका है। अब चलते हैं हम यहाँ पे इन दोनों पे, इस पे इन दोनों पे करेंगे रिप का version 2 एनेबल। तो या इस वाले राउटर से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे जो है हम एंटर करते हैं और एनेबल करने के बाद चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में। सबसे पहले इसको होस्ट को नाम चेंज करते हैं, RIP 1 कर देते हैं इसको भी और यहाँ पे जाके हमने इंटरफेस F0/1 पे चलेंगे। इसको IP एड्रेस देंगे 192.168. यहाँ पे 40.1 दे देते हैं 255.255.255.0 और इसको जो है हम कर देते हैं नो शटडाउन मोड पे। इसके बाद यहाँ से एग्जिट करते हैं और यहाँ पे राउटर RIP डिफाइन करते हैं, इसका version 2 डिफाइन करेंगे, नो ऑटो समरी कर देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन करेंगे तो 192.168.40.0 ये नेटवर्क है। इसके बाद इसको एंड करते हैं। यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल हमारा एनेबल हो गया। अब इस राउटर के ऊपर हमने जाके राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो एनेबल करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करते हूँ और चलते हैं CLI मोड पे और यहाँ जाके हमने क्या करना है, आप एनेबल करना है। चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इंटरफेस F0/1 पे चलेंगे और इसको पहले सबसे पहले IP एड्रेस देते हैं 192.168.40.2.255.255.255.0 और इसको कर देते हैं हम नो शटडाउन मोड पे। इसके बाद यहाँ से एग्जिट करते हैं और यहाँ पे भी हम राउटर RIP लिखते हैं और जो है यहाँ पे वर्जन रहेगा 2 और नो ऑटो समरी कर देते हैं यहाँ पर भी। इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे नेटवर्क्स को, तो नेटवर्क है हमारे पास यहाँ पे 192.168.40.0 और सेकेंड नेटवर्क है हमारे पास यहाँ पे 30.0 का। तो ये हमने कर दिया है, यहाँ पे एंड करते हैं और एंड करने के बाद यहाँ पे जो है शो IP राउट करके देखते हैं कि हमारे पास जो है अभी तक यहाँ पे जो है 40 और 30 ही आया,
राइट, तो यहाँ पे 40 और 30 ही है, तो इसके बाद जो है हमारे पास कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, तो ये हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, दोनों ही इसको मालूम है। तो यहाँ पर जो है नेबर एस्टेब्लिशमेंट हो चुका होगा, तो यहाँ पे जो है आपको अगर देखना है तो शो आईपी राउट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आर के ज़रिए, यानी कि ये 30 वाला जो नेटवर्क है वो यहाँ पे जो है लिस्ट हो चुका है, रिप के ज़रिए यहाँ पे आ चुका है, तो ये भी हमारा हो चुका है। इसको अगर पिंग करके दिखाना देखना है तो आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे पिंग करते हैं 192.168.30.2 को पिंग करते हैं, और यहाँ पे जो है आपका पहले पैकेट जो है वो यहाँ पे आपका क्या लॉस्ट होता है, तो यहाँ पे जो 60% आया, अब दोबारा करेंगे तो ये 100% आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 100% जो है हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया, यानी कि ये जो प्रोटोकॉल है बिल्कुल यहाँ से इस सिस्टम तक जो है क्लियर हो चुका है। अब आता है हमारा OSPF प्रोटोकॉल, तो OSPF को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, तो चलते हैं पहले इस राउटर के ऊपर, और इस राउटर पे जाके हमने यहाँ पे एरिया ज़ीरो डिफाइन करना है, तो यहाँ पे चलते हैं इसके CLI मोड पे, और यहाँ जाके जो है हम एनेबल करते हैं, और यहाँ पे चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस F0/1 पे जाएंगे, इसको IP एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.60.2 कर देते हैं, यहाँ पे 255.255.255.0 इसको कर देते हैं हम नो शटडाउन मोड पे, यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पे जो है हमने राउटर जो है वो डिफाइन करना है, यानी राउटिंग प्रोटोकॉल डिफाइन करना है, ओ एस पी एफ जो है यहाँ पे इसका हमें प्रोसेस आईडी नंबर डालना है तो 1 डाल देते हैं, और यहाँ पे हमें जो है राउटर आईडी अगर आपको देना है तो आप राउटर आईडी देते हैं, हम यहाँ पे जो है कोई भी आपको आईडी देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं देना आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे हम नेटवर्क डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे नेटवर्क हमारे पास कौन कौन से हैं, 192.168.50.0, अब इसका जो है यहाँ पे अगर आप सीधा ऐसे एंटर करोगे तो ये इनकम्प्लीट कमांड बताएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो देना पड़ता है, वाइल्ड कार्ड इसका मास्क होगा क्योंकि ये /24 है, तो ये है आपका एक क्लासफुल नेटवर्क, यहाँ पे हमें वाइल्ड कार्ड मास्क आएगा 0.0.0.255। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, तो एरिया ज़ीरो है ये हमने पहला नेटवर्क यहाँ पे डिफाइन कर दिया। दूसरा नेटवर्क हमने यहाँ पे डिफाइन करना है विच इज़ 60.0, ये भी हमने डिफाइन कर दिया। अब इसको एंड करते हैं और चलते हैं हमारे इस राउटर के ऊपर, और इस राउटर पे जाके हम इसको साइड करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और चलते हैं इसके CLI मोड के ऊपर, एनेबल करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, और यहाँ पे जाके होस्ट नेम इसका चेंज कर देते हैं, OSPF इसको 1 कर देते हैं, और यहाँ पे जो है इसमें इंटरफेस F0/1 पे चलते हैं, और यहाँ पे इसको IP एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.60.1, क्योंकि 2 हमने वहाँ पे दे दिया, 255.255.255.0, और इसको हम कर देते हैं नो शटडाउन मोड पे, तो ये हमने नो शटडाउन मोड पे कर दिया, ये अप हो चुका है। इसके बाद हमने यहाँ से एग्जिट करना है, और यहाँ पे हमने राउटर OSPF जो है यहाँ पे प्रोसेस आईडी 2 दे देते हैं, इसको राउटर आईडी देना है आपकी इच्छा है, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नेटवर्क आईडी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क है 60.0.0.0.255, ये भी हमारा एरिया ज़ीरो से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे एंड करते हैं, और एंड करने के बाद जो है हमारा यहाँ पे अभी कुछ ही समय में नेबर एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, और उसके बाद जो है हमारा ये काम चालू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे शो IP राउट करते हैं, तो अब अभी तक जो है यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि अभी तक क्या है हमारा ये अब नेबर रिलेशनशिप जो है इसका डेवलप नहीं हुआ है, राइट। तो ये नेबर एस्टेब्लिशमेंट जब तक होता है तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, तो अभी तक तो यहाँ पे कोई भी अपडेट हमें नहीं मिली है। एक बार हम कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं कि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करा है वो सही है या गलत है। यहाँ पे शो IP राउट करते हैं वापस से, अभी भी नहीं आया, तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे शो ओके, ये देखिए अब नेबर इस्टेब्लिशमेंट अब हो गई है, ठीक है ना। तो ये हमारा नेबर इस्टेब्लिशमेंट में टाइम कई बार इतना ले लेता है, तब जाके आपका अपडेट होता है, ये हमारा हो गया। अब अगर वापस से शो IP राउट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ लिख कर आ गया, और यहाँ पे जो है आपका नेबर इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, राइट। तो ये हमारा नेबर इस्टेब्लिशमेंट हो गया, इसको हम करते हैं बंद, क्योंकि अब तक हमारा जो काम है, अच्छा पिंग करना रह गया है, तो मैं आपको पिंग भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पिंग करते हैं हम 192.168.50.2 को हमने रिप्लाई पिंग करना है,
नेटवर्क एक बार चेक कर लेते हैं, आप 80% आ गया, मतलब यही नेटवर्क बिल्कुल सही है। अब 100% हमें रिप्लाई मिल गया। तो यहाँ पे ये सारा जो है अभी तक काम हो चुका है। अभी हमने आज के इस वीडियो में देखा कि हमने ESGRP जो है यहाँ पे इसके रेस्पेक्टिव एरिया के अंदर कॉन्फिगर करा, और यहाँ पे हमने RIP का वर्जन 2 करा, और यहाँ पे जो है हमने OSPF का जो है एरिया 0 जो है वो डिफाइन करा। अब कल के वीडियो में हम देखेंगे ये राउटर और इनके जो ये सीरियल पोर्ट्स हैं इनको हम IP एड्रेस देंगे, इनके ऊपर कौन कौन सा IP देंगे उसको कॉन्फिगर करेंगे, और इस राउटर के अंदर जो है ये जो सेंटर में राउटर है इसके ऊपर हम जो है EIGRP, RIP और जो है OSPF ये तीनों को कॉन्फिगर करेंगे, और उसके बाद वाले वीडियो में यानी कि परसों जो है हम इसको आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे कि किस तरह से जो है ये प्रोटोकॉल आपस में एक दूसरे के साथ डेटाबेस को शेयर करेंगे, भले वो EIGRP में RIP हो, RIP के अंदर जो है OSPF हो, तो ये मल्टीपल जो है किस तरह से आपस में काम करेंगे, किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये जानने के लिए जो है आप वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो ISP आपस में कम्युनिकेट करते हैं वो उनके अलग अलग, आपके किसी के पास EIGRP चल रहा होता है, किसी के पास कोई चल रहा है, किसी के पास OSPF चल रहा है, किसी के पास RIP चल रहा है, तो इनको आपस में किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करके कम्युनिकेट करवाया जाता है ये जो है इस सीरीज में आपको समझ में पूरा आ जाएगा। सो आई एम श्योर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको लगे कि इस तरह की और भी सीरीज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में #TGM लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, इतना ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। लाइक और शेयर तो डेफिनेटली कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये जो है वीडियो पहुंच सके। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।